हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर एक्सटेंडिंग माय टॉपिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब आज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की जैसा कि बात कर रहे हैं, तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ, इन्वायरमेंट में जो 78% नाइट्रोजन है उसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ही ऑर्गेनिज्म ईश्वर ने या नेचर ने सेलेक्ट किए हैं, कुछ ही ऑर्गेनिज्म। और वो ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम क्या होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिए, जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं या जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। उन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी मैं बता देता हूँ, तीन है। एक क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, तीसरे क्या होते हैं, एक्टिनोमाइसिट्स होते हैं। क्या, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिट्स। अब ये कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, क्यों आखिर उसी में होता है, क्यों, क्योंकि उसमें एक जीन एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है नाइट्रोजिनेज। क्या होता है, नाइट्रोजिनेज, जिसके पास एक कैपेबिलिटी होती है क्या, कि वो N2 को कन्वर्ट कर देता है NH4+ में। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन को, अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है अमोनियम आयन। और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहाँ होते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। क्लियर है। अब इसके बाद करते हैं कि वो कौन कौन से नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। ठीक, यहाँ पे एक टर्म दिया गया है, डाई एजोट्रॉप्स। तो ऐसे जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है, फिक्सेशन होता है, उसको एक और नाम दिया जाता है, उसको बोल जाता है डाई एजोट्रॉफी। और डाई एजोट्रॉफी बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग मैकेनिज्म को। ठीक, और जो ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उसको बोलते हैं डाई एजोट्रॉप्स। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं, अब जो डाइएज़ोट्रॉप्स या नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं वो या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं वो, फ्री लिविंग, मतलब आराम से ऐश करेंगे, लेकिन उनके पास चूंकि एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज तो वो क्या करेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, अमोनियम आयन में। इसी प्रकार कुछ और होते हैं सिम्बायोटिक, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। स्पेसिफिक वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके साथ रहते हैं, किसी ना किसी रूट के साथ रहते हैं, वो भी रूट में जिसके साथ पास नोड्यूल्स होता है, जिसके पास नोड्यूल होता है उसके पास। ऐसा नहीं कि केवल नोड्यूल के पास ही वाले सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास नोड्यूल नहीं होता है उनसे भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन अभी याद रखिए कि दो टाइप के ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं। अब फ्री लिविंग में भी वो या तो एरोबिक होंगे या तो एनएरोबिक होंगे। क्लियर है। एरोबिक मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो अपना सारा काम करते होंगे, एक एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो जो एरोबिक होते हैं, बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि जो एरोबिक हमारे बैक्टीरिया हैं वो कैसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग, कौन कौन से एरोबिक हैं। तो इसमें क्या, बीजीए में भी क्या, नॉस्टॉक रहना भी, इसको याद करते हैं। देखिए, ए फॉर एजिटोबैक्टर, ए फॉर एजोस्पाइलम, बी फॉर बीजेरिंकिया और बी ही फॉर क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो AABB, एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइलम, बीजेरिंकिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। और ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब कि साइनोबैक्टीरिया। इस साइनोबैक्टीरिया में कौन कौन से साइनोबैक्टीरिया होते हैं, नॉस्टॉक एनाबिना, भी याद कर लो यार, कॉमन साइनोबैक्टीरिया है नॉस्टॉक एनाबिना, जो कि हेल्प करता है किसमें, नाइट्रोजन फिक्सिंग में, मतलब वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है अमोनियम में। तो ये याद हो गया होगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं। देखो, ए जो टर्म आया ना, ए जो का मतलब ही होता है नाइट्रोजन, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द नाइट्रोजन। तो एजिटोबैक्टर एजोस्पाइलम, कहीं भी ए जो आ जाए मतलब कि वो नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प कर रहा है। और चूंकि ये एरोबिक होता है, जितने भी एजिटोबैक्टर होते हैं वो एरोबिक होते हैं। एक ऐसा एजिटोबैक्टर है, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, जो कि यहाँ पे आ रहा है, एजोराइजोबियम। ठीक, अभी इसको बताएंगे, ये भी फ्री लिविंग होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं क्या होता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी हेल्प करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। ठीक, तो अभी याद कर लीजिए, एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइलम, बीजेरिंकिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसमें नॉस्टॉक एनाबिना होते हैं, वो क्या होते हैं, वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं। अब बात करते हैं एनएरोबिक। तो एनएरोबिक में आता है बैसिलस, बी फॉर बैसिलस, सी फॉर क्लॉस्ट्रीडियम और आर फॉर रोडोस्पाइलम। मैंने इसको इस क्रम में लिखा है ताकि याद हो जाए, BCR हम लोग नहीं देखते थे बचपन में, VCR होता था, बड़ा सी कैसेट होता है, तो उसी से है BCR, बैसिलस क्रोमेटियम है, क्लॉस्ट्रीडियम है और रोडोस्पाइलम, जिसमें रोडोस्पाइलम और क्लॉस्ट्रीडियम इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये NCERT की बुक में दिया गया और ये पूछा जाता है कि क्लॉस्ट्रीडियम और रोडोस्पाइलम इज द एनएरोबिक फ्री लिविंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म की। सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, ऐसे प्लांट जो नोड्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं। और वो नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ द कुछ जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं की मदद से होता है। वो कैसे होता है, वो एक प्रोसेस है पूरी, मैं बताऊँगा आपको। कुछ जो नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और कुछ जो है नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं करते हैं।
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उनकी जो नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। जो नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं करते हैं उसमें तीन आते हैं, ये भी याद हो जाएगा। एक होता है कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस, पहले तो ये कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस याद कर लीजिए। साइकस में कौन सी रूट पाई जाती है? कोरोलॉइड रूट, सी फॉर साइकस, सी फॉर कोरोलॉइड रूट। तो साइकस में कोरोलॉइड रूट पाई जाती है और इसमें एक बैक्टीरिया होता है नॉस्टॉक रेनाबिना। पता है ना नॉस्टॉक रेनाबिना क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। तुम कहते ना नॉस्टॉक रेनाबिना, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो हर जगह आएगा, कहाँ कहाँ आएगा वो देखिए, उसके बाद हम बताएंगे कहाँ नहीं आता है। तो नॉस्टॉक रेनाबिना कोरोलॉइड रूट में रहता है साइकस की, जो कि नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं करता है लेकिन नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है, ठीक। दूसरा आता है लीफ ऑफ एजोला। एजोला क्या है? एक प्रकार का टेडोफाइट है, एक प्रकार का टेडोफाइट है और इसकी पत्तियों में एक बैक्टीरिया होती है जो साइनो बैक्टीरिया होती है, जिसका नाम होता है एनाबिना। वही एनाबिना, ब्लू ग्रीन एल्गी वाला एनाबिना एजोली। तो वो क्या करता है? वो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है। फार्मर्स जनरली जो होता है एजोला का खाद के यूज़ करते हैं। एजोला जब सूख जाती है तो अपने राइस के खेतों में, धान के खेतों में उसको यूज़ किया जाता है, तो ठीक है। तो एनाबिना एजोली सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है लीफ ऑफ एजोली के साथ और यही एजोला ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है। थर्ड वन इज़ द थैलस ऑफ एंथोसिरास। एंथोसिरास में भी नॉस्टॉक होता है। अब आप देख रहे होंगे इन तीनों में, चाहे कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस हो, चाहे लीफ ऑफ एजोली हो, चाहे थैलस ऑफ एंथोसिरास हो, इन तीनों में कौन पाया जा रहा है? कहीं ना कहीं ब्लू ग्रीन एल्गी ही है। नॉस्टॉक एनाबिना ऊपर भी था, यहाँ भी एनाबिना है और यहाँ भी नॉस्टॉक। तो इन तीनों में क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी ही रिस्पॉन्सिबल है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है। तो हम कह सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्लांट जो नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, उसमें जो माइक्रोब्स होता है वो क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है, क्लियर। अब आते हैं फॉर्म नोड्यूल, ऐसे प्लांट जो नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ रूट में नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ जो है स्टेम में नोड्यूल का फॉर्म करते हैं। हम लोग रूट नोड्यूल ज़्यादा कॉमन है पढ़े होंगे, स्टेम नोड्यूल कम पढ़े होंगे, लेकिन स्टेम नोड्यूल भी है और एक ही प्लांट है, उसको याद कर लीजिए। एस फॉर होता है स्टेम, एस फॉर होता है सिसबेनिया प्लांट, सिसबेनिया। एस फॉर स्टेम, एस फॉर सिसबेनिया। तो सिसबेनिया एक ऐसा प्लांट है जिसके स्टेम में नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है और उस नोड्यूल में रहता कौन है? एजो राइजोबियम। जैसा मैंने बताया था एजो, एजो इज द वर्ड फॉर द साइंटिफिक नेम ऑफ द नाइट्रोजन। तो एजो राइजोबियम जो कि स्टेम के नोड्यूल में रहता है वो क्या करता है? वो नाइट्रोजन फिक्सिंग में मदद करता है, ठीक है। तो एजोराइजोबियम याद हो गया होगा, सिसबेनिया प्लांट, स्टेम नोड्यूल। इसके बाद आते हैं रूट नोड्यूल। अब रूट नोड्यूल में भी कुछ होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में होते हैं, कुछ होते हैं नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में होते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले बात करते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब दलहन की फसलें, ठीक ना, दलहन की फसलें। जैसे इसमें आता है पी, बीन्स, क्लोवर। यहाँ तीन नाम लिखा हूँ मैं, पी बी सी, के बी सी आप लोग देख रहे होंगे इस समय, के बी सी। तो के बी सी का ये पी बी सी, पी बीन्स और क्लोवर, ये तीन ऐसे प्लांट है जिसमें कि राइजोबियम, राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है, इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को अमोनियम में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा एक और प्लांट है सोयाबीन, ये भी दलहन की फसलें हैं, ठीक। ये सोयाबीन, ये भी लेग्यूमिनस प्लांट है, इसमें जो बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है उसका नाम है ब्रेडी राइजोबियम। ये भी राइजोबियम है लेकिन क्या है? ब्रेड वाला राइजोबियम है, ब्रेडी राइजोबियम। और सीनो राइजोबियम इसी को, और दूसरा है सीनो राइजोबियम। दोनों देखो, तीनों जो है राइजोबियम है, मतलब लेग्यूमिनस प्लांट में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग में वो है राइजोबियम। या तो राइजोबियम होगा, या तो ब्रेडी राइजोबियम होगा, या तो सीनो राइजोबियम होगा। ब्रेडी राइजोबियम किस में होगा? के बी सी में, सी बी सी, पी बी सी, पी बीन्स और क्लोवर, इन तीनों में क्या होता है? राइजोबियम। इसके अलावा सोयाबीन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो सोयाबीन में क्या होता है? ब्रेडी राइजोबियम या सीनो राइजोबियम। उसके बाद बात करते हैं नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। तो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ जो बैक्टीरिया या जो माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं उनका नाम क्या है? स्केजुरिना एलनस मायरिका। इसको याद करने का तरीका देखिए, कैम एक पाथवे हम लोग पढ़े थे, किसमें पढ़े थे? पढ़े होंगे, याद होगा, कैम पाथवे सी फोर साइकिल में आता है कैम। तो सी फॉर कैजुरिना, ए फॉर एलनस और एम फॉर मायरिका, ठीक। कैजुरिना एलनस और मायरिका, कैजुरिना एलनस और मायरिका, इसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है? फ्रेंकिया होता है। फ्रेंकिया क्या है? फ्रेंकिया एज अ टाइप ऑफ एक्टिनोमाइसिस। मैंने कहा था ना तीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, या तो बैक्टीरिया होगा, या तो साइनोबैक्टीरिया होगा, या तो एक्टिनोमाइसिस होगा। तो फ्रेंकिया इज द वन एक्टिनोमाइसिस विच इन्वॉल्व इन द क्या, विच इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन फिक्सिंग, ठीक। तो कैलनस, कैजुरिना एलनस और मायरिका जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, इसमें फ्रेंकिया नाम का बैक्टीरिया आता है और वो नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा एक और प्लांट है गुनेरा प्लांट। गुनेरा प्लांट में ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आप देख रहे होंगे ब्लू ग्रीन एल्गी आपका एरोबिक में भी है, ठीक, नॉस्टॉक एनाबिना। एनएरोबिक में आपका ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसको स्टार लगा देते हैं। इसके अलावा नोड्यूल फॉर्मेशन में स्टेम नोड्यूल में नहीं है,
एजोराइजोबियम है, इसमें भी स्टार लगा देते हैं। रूट नोड्यूल्स में देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ भी स्टार लगा देते हैं। ठीक, अब इसके बाद कोएलाइड रूट में, इन सब में है, मतलब तीन ऐसी जगह हैं स्टेम नोड्यूल के साथ। ब्लू ग्रीन एल्गी का कोई रोल नहीं है, हमारे लेग्यूमिनस प्लांट में कोई रोल नहीं है, क्योंकि लेग्यूमिनस में क्या है, राइजोबियम का रोल है। इसके अलावा एनएरोबिक में भी हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी का कोई रोल नहीं, बाकी हर जगह कहीं ना कहीं ब्लू ग्रीन एल्गी आया हुआ है। तो होपफुली आपको ये चार्ट समझ में आया होगा, लेकिन ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच।